महकुआ में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवीन चंद्र तिवारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। बता दें कि इस दौरान उन्होंने अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जल्द दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान चिकित्सा अधिकारी को मरीजों के बेड के आसपास कहीं भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले, जिसके चलते तत्काल मरीजों के बेड के आसपास ऑक्सीजन सिलेंडर लगवाए गए। इसके तहत ही ACMO डॉक्टर NC तिवारी ने कहा कि पिछले महीने की तुलना में इस बार गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी में कमी देखने को मिली है, जबकि पूर्व में 3 स्टाफ नर्सें तैनात थी। अब 2 और नर्सें आने के बाद कुल 5 स्टाफ नर्सें होने के बावजूद भी डिलीवरी में क्यों कमी आई है, उसके लिए हिदायत दी गई है। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। साल बढ़िया चल रहा है, ओबीडी का भी बढ़िया है और कुछ चीजों की कमी है, वो कमियां आज इनको बता दिया। इनके इंचार्ज भी आए हैं यहाँ पर, इनवाइस उनको भी लाया हूँ साथ में, क्योंकि अभी वर्षा ऋतु चल रही है, डेंगू और मलेरिया के परिप्रेक्ष्य में बेसिकली मैं यहाँ आया हूँ और डिलीवरी में थोड़ा सा कमी आई है पिछले महीने की तुलना में, तो वो जरा हमारा जो था आग्रह था कि इनसे की जरा अपनी डिलीवरी सुधारें, क्योंकि जो स्टाफ नर्सें थे पहले 3 थी, अभी 2 और भी आ गई हैं, तो 5 हैं स्टाफ नर्सें यहाँ पर, लोड काफ़ी है यहाँ पर और एक वार्डबॉय की भी यहाँ कमी है। बाकी हॉस्टल तो चल सही कर रहा, भीड़ काफ़ी है, ज़्यादा भीड़ होगी तो मैनेज करना चाहता होता, बाकी 2-4 चीज़ों में जो कमी है मैंने इनको बता दिया है, कोई पैसे की कमी होगी या जो कुछ कहीं दरवाजे काम नहीं कर रहे हैं, कहीं पर थोड़ा हाइजीन सैनिटेशन की ज़्यादा समस्या है, कहीं पर कुछ गंदगी थोड़ा फैली हुई है उसको सही करने की बताया वाली कोई बात नहीं। वो जो डॉक्टर साहब हैं उनको बता रखा है, वो तो पैसा इन्होंने क्या क्या सामान लिया, क्या क्या पैसा इनको मिला है या पैसे की कोई कमी है इनके पास, तो पैसा हम देंगे, हमने उनको बता रखा है और पैसा मेरे ख्याल में यहाँ पर होना चाहिए ठीक ठाक, क्योंकि ओपीडी जो अच्छी आ रही है तो उसी से पैसा जनरेट होता है। उसके अलावा NHM की तरफ से भी इनको लगभग 1.5 लाख रुपया जो है इनको पैसा मिलता है,